This is Life Spring Assembly. और ये Life Spring Assembly की कलीसिया है. Welcome to the morning devotion. और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज सुबह के इस मनन के समय में. Today I would like to deal with the question, who am I? और आज की सुबह मैं एक प्रश्न के संग इस मनन को शुरू करूंगा today, कि हम कौन हैं? Today there is an identity crisis. क्योंकि आज के दिन एक पहचान को लेकर सबके बीच में एक गलतफहमी. Many Christians don't know who they are. और कई सारे मसीहों को ये पता ही नहीं कि वे कौन हैं. They don't know what they have. और उनके ये नहीं पता कि उनके पास क्या है. And they don't know what they have in Christ and what they are in Christ. और उन्हें ये नहीं पता कि वो प्रभु यीशु में क्या हैं और उनके पास क्या है. So I would like to pass on to you a few verses. और इसलिए कुछ वचनों को मैं आपके को देना चाहूँगा. Who am I? कि हम कौन हैं? Number one. पहली. I am extremely valuable. कि मैं बहुत खास रीति से बहुमूल्य हूँ. First Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस दूसरा अध्याय नववचन. What does that verse say? उस वचन में क्या लिखा है? It says we are a chosen people. कि हम परमेश्वर के चुने हुए जन. A royal priesthood. और याजकों का समाज. A holy nation. और एक पवित्र राष्ट्र. A very special people of God. और परमेश्वर के खास चुने हुए लोग. And we are brought out of great darkness. और परमेश्वर ने हमें उस ज्योति से बाहर निकाला. Into the marvelous light of the gospel of Jesus Christ. और अपनी अद्भुत ज्योति जो कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है उसमें बुलाया. And there is a purpose. और एक उद्देश्य के साथ. That we may declare. ताकि the greatness and the majesty and the glory of our God and our Savior. कि हम अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता की परिपूर्णता को उसकी महिमा का वर्णन करने पाएं. Now can you see? क्या आप देख सकते how हैं? How valuable you are. कि कितने महत्वपूर्ण और कितने बहुमूल्य आप हैं? Because you don't know this. क्योंकि आप ये नहीं जानते. You have been going around saying I am a nobody. और आप इधर उधर जाके यही कहते रहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं. Nobody cares for me. कोई मेरी चिंता नहीं करता. I don't know what to do. और मुझे ये नहीं पता क्या करना है. I can't sing, I can't play, I can't teach. मैं गा नहीं सकता, मैं खेल नहीं सकता. You know that kind of negative feelings. और इस प्रकार के ये जो नकारात्मक स्वभाव है. But because you do not know who you are. क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं. And because of who you are in Christ, you are extremely valuable. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आप जो कुछ भी हैं, आपका बहुत मूल्य है. And secondly. और दूसरी बात. I am not only extremely valuable. ना केवल आप और मैं बहुत मूल्य बनते हैं. I am owned by someone. कि मेरा कोई स्वामी है. Who owns us? और कौन हमारा स्वामी है? 1 Corinthians 7:23. और पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 23वां वचन. And then 1 Peter 1:18-19. और पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19. You know, I will quote that verse. मैं इस वचन को बोलूँगा. We are redeemed not by silver and gold and precious stones etc. और हमें छुटकारा दिलाया गया है बहुमूल्य पत्थर सोना चांदी से नहीं. But by the precious blood of Jesus Christ, the Lamb of God. लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और शुद्ध लहू के द्वारा जो परमेश्वर का मेमना ठहरा. What a verse that is. और कितना अद्भुत वचन है ये. That's how you are owned by the Maker. Of heaven and earth. और इसके द्वारा ही या ऐसे ही आप परमेश्वर उस स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा आपको रखा गया है. Now you realize how important you are. और अब आप इस बात को समझते हैं कि कितने मूल्यवान आप हैं. So self-esteem is important. और इसलिए अपना मूल्य जानना जरूरी है. But what is self-esteem? लेकिन ये अपना स्वयं का मूल्य समझना क्या है? It is this. वो ये है. Accept myself as God has accepted me. कि हम खुद को ऐसे ग्रहण करें जैसे परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है. If God has accepted me, और अगर परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है, who am I to ever say I am useless, I am nothing? तो मैं कौन होता हूँ ये कहना कि मैं किसी भी प्रकार से मेरा कोई मूल्य नहीं या मेरा कोई काम नहीं, मैं बेसहाय असहाय. But you know what? लेकिन आपको पता है क्या? I don't mean you have to go around very proud
थिंकिंग आई एम यू नो हु आई एम एक्सेट्रा. आपको ये कहते हुए घमंड के संग नहीं जाना है, ये कहते हुए कि मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते. सेल्फ एस्टीम इज द वे गॉड सीज मी. और ये खुद का मूल्य जानना ये है कि जैसे परमेश्वर मुझे देखता है वैसे मैं भी खुद को. एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज गॉड हैज सीन मी. और जैसे परमेश्वर ने मुझे देखा है मैं वैसा खुद को ग्रहण करूं. एंड ही एक्सेप्टेड मी. और जैसा उसने मुझे ग्रहण किया. जस्ट एज आई एम. ऐसा ही ग्रहण किया जैसा मैं हूं. He took me in. उसने मुझे अंदर ले लिया. If God has accepted me and considered me valuable to Him, और अगर परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है और खुद के लिए मूल्यवंत ठहराया है, Why can't I accept myself as God sees me? तब मैं अपने आप को क्यों नहीं ग्रहण कर सकता जैसे परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया? In Numbers chapter 3, और गिनती की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय. If you read this chapter, अगर आप गिनती की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय को पढ़ें, here we have a Moses sending these 12 representative from Israel, from the Jews, to spy out the promised land. क्षमा करिए, गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय, यहाँ पर मूसा कुछ जासूसों को कनान देश में भेजता है जासूसी करने के लिए. But if you read that chapter, और अगर आप उस अध्याय को पढ़ें, what do you see? वहां पर आप क्या देखते हैं? Here is a group of people who refuse to accept themselves as God has seen them. यहाँ पर एक ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो खुद को वैसे ग्रहण करे जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है. That is our problem. और यही हमारी समस्या भी है. And if you are familiar with this passage, और अगर आप इस वचन को जानते हैं, you know what report these 12 men brought. तब आप ये भी जानते हैं कि इन 12 लोगों ने क्या खबर सुनाई. They brought a very negative report. वो एक नकारात्मक खबर को लेकर वापस लौटे. And they failed to see themselves as God has seen them. और वो असफल हो गए खुद को वैसे देखने के लिए जैसा परमेश्वर उन्हें देखता है. How did God see them? और परमेश्वर ने उन्हें कैसे देखा? Look at verse 1. पहले वचन की ओर देखिए. The Lord spoke to Moses saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel, from each tribe of their fathers, you shall send. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसमें इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों. See why, how did God see them? और देखिए कैसे परमेश्वर ने उन्हें देखा. God saw them as worthy, strong men who will capture the land and possess the land. परमेश्वर ने उन्हें देखा एक ऐसे योग्य लोगों के समान, सामर्थ्य और शक्तिशाली, जो उस कनान देश पर कब्जा करेंगे. But what was the report they brought? लेकिन क्या खबर लेकर वो वापस लौटे? We saw how tall and how big the people there are. और हमने देखा कि कितने लंबे और कितने चौड़े वहाँ के लोग हैं कनान देश के. And they said, we saw ourselves as grasshoppers. और हमने खुद को टिड्डों के समान समझा. They failed to see themselves as God saw them. और वो खुद को वैसे देखने के लिए असफल हो गए जैसे परमेश्वर ने उन्हें देखा. How did God see them? और परमेश्वर ने उन्हें कैसे देखा? Look at verse. पहले वचन की ओर देखिए. The Lord spoke to Moses saying, "Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel." कि तू लोगों को भेज, भेदियों को भेज, जो मैं तुझे बताता हूँ, ताकि वे जाएं और कनान देश की खबर को लाएं. That is how God saw them. परमेश्वर ने ऐसे ही उन्हें देखा. Worthy men. ऐसे लोग जो योग्य हैं. Strong men. शक्तिशाली. Who shall capture the land? वो जो उस देश पर कब्जा करेंगे. But here they went and spied and come back saying, "Ayo, we are grasshoppers in front." लेकिन यहाँ पर वो गए भेद लेने के लिए, वापस लौटे गलत नकारात्मक खबर के साथ. The failure of many believers today. और कई सारे विश्वासियों का आज के दिन की असफलता यही है. They failed to see themselves as God has
see वो खुद को वैसे देखने में असफल हो जाते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है. You must see yourself as Christ see you. और आपको खुद को ऐसे देखना है जैसे यीशु आपको देखता है. Because of Christ. यीशु के कारण. You are more than conquerors. आप जयवंत से भी बढ़कर के हैं. Accept yourself as God has accepted you. खुद को वैसे ग्रहण करें जैसे परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया. You know, if you read 1 Psalm chapter 15 verse 7, और अगर आप 17, अगर आप पहला भजन संहिता उसका 17वां अध्याय numbers, yeah, 1 Samuel. अगर पहला सैमुएल का पुस्तक chapter 15, और उसके बाद उसका 15वां अध्याय verse 17, 17वां वचन. सैमुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इसराइलियों गोत्र का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इसराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? See, here is Saul took over the nation from God himself. और सॉल राजा ने इसराइल राष्ट्र को खुद परमेश्वर से अगुवाई के लिए प्राप्त किया. God was the first king. और परमेश्वर खुद पहला राजा था. And 1 Samuel chapter 9 verse 21. और पहला सैमुएल उसका 9वां अध्याय और 21वां वचन. If you read it, अगर आप इसे पढ़ेंगे. Saul answered, "Am I not a Benjaminite from the least of the tribes of Israel? And is not my clan the humblest of all the clans of the tribe of Benjamin?" Benjamin ke gotr mein Kish naam ka ek purush tha jo ap hi ke putr Bakrot ka parpota aur Shiroto ka pota aur Abiel ka putr tha. Vah ek Benjamin purush ka putr ka bada shaktishali surma tha. So here the question is, yahan par samal liye uthta hai. The question you must ask yourself. Aur wo sawal jo aapko khud se puchna hai. Am I able to see myself as God sees me? कि क्या मैं खुद को वैसे देखता हूँ जैसे परमेश्वर मुझे देखता है? How does God see you? और कैसे परमेश्वर आपको देखता है? God sees you in His Son Jesus Christ. परमेश्वर आपको अपने पुत्र प्रभु यीशु में देखता है. And when He sees you in Christ, और जब वो आपको प्रभु यीशु में देखता है, you are the most valuable, important person. तब आप सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवंत व्यक्ति हैं. That doesn't mean you have to begin to feel very proud. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद पर घमंड करना. But you must be humble. लेकिन आपको और दीन होना है. Because you who are unworthy and undeserving in your own estimation. क्योंकि आप जो अयोग्य थे और अपने ही उसमें अयोग्य ठहरे. God picked you up. परमेश्वर ने आपको उठाया. Elevated you. और आपको ऊंचे स्थानों में खड़ा. Given you a position higher than anyone. और आपको एक स्थान दिया जो औरों से कहीं ऊंचा स्थान. So begin to see yourself as Jesus Christ sees you. और इसलिए खुद को वैसा देखना शुरू करें जैसे परमेश्वर आपको देखता है. As God sees you. जैसे परमेश्वर आपको देखता है. Again, 1 Samuel chapter 15, verses 24 and 30. और उसके बाद पहला सैमुएल 15वां अध्याय 24वां और 30वां वचन. साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने पाप किया है. मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है. Verse 30. उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इसराइली के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट की मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं. So what is the problem with Saul here? और यहां पर सॉल के संग क्या समस्या है? For Saul, people became his focus. कि सॉल या सॉल राजा का जो समस्या था कि लोग उसका केंद्र बन गए. Not God who has chosen him and brought him out. ना कि परमेश्वर जिसने उसे चुना और वहां से बाहर निकाला. And made him king. और उसको राजा ठहराया. He didn't think of that. और उसने ऐसा इस विषय में नहीं सोचा. But his focus was the people. लेकिन उसका केंद्र या उसका ध्यान तो लोग थे. Now when you compare yourself with the people. और जब आप खुद को लोगों से तुलना करते हैं. You always see yourself as greater. तब आप खुद को हमेशा महान या ऊंचा समझते हैं. Never make that mistake. ये गलती कभी ना करिए. You look at yourself as God looks at you. और आप अपने आप वैसे अपनी ओर वैसे देखिए जैसे परमेश्वर आपको देखता है.
And then you accept yourself as God has accepted you. और उसके बाद आप खुद वैसे ही खुद को ग्रहण करिए जैसे परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है. And then begin to see yourselves as God sees you. और खुद को वैसे देखना शुरू करिए जैसे परमेश्वर आपको देखता है. And then you know that you are not ordinary. और फिर आप जानते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं. You are special. आप खास हैं. You are God's own child, son. आप परमेश्वर के पुत्र हैं. Very special. बहुत खास. And may the Holy Spirit grant you a enlightened vision of yourself. होने दे पवित्र आत्मा आपको खुद का प्रकाशन दे. What you have in Christ. कि यीशु में आपके पास क्या है. What you are in Christ. और यीशु में आप क्या हैं. These are important. और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं. Yes. And who is the cause of it all? और इन सारी बातों का कारण कौन? Jesus Christ. यीशु मसीह. Who paid the price in order to own you? जिसने दाम चुकाया कि वो आपको and make you very special. अपना बनाए और आपको खास ठहरा दे. So which position you want? कि किस स्थान को आप चाहते हैं? You want to remain where you see yourself as nothing? और आप उसी स्थान में बने रहना चाहते हैं जहाँ पर आप कुछ खुद को कुछ भी नहीं समझते? Like a grasshopper. जैसे टिड्डों के समान? No, my friends. नहीं मेरे मित्रों. You must know who you are in Christ. आपको ये जानना है कि आप प्रभु यीशु में क्या हैं? You are now a child of God. आप परमेश्वर के बेटे बेटियों के समान. Live like that. और ऐसे ही जिए. With joy unspeakable and full of glory. और एक ऐसा आनंद जिसकी वर्णन के अपार है और जो महिमा से भरा. Hallelujah. Hallelujah. O Lord our God. हे हमारे परमेश्वर. I pray that you fill us with the Holy Spirit. मेरी प्रार्थना यह है कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए. And the Holy Spirit will give us eyes that we may see ourselves as God Himself sees us. और पवित्र आत्मा हमें वो आँखें दे ताकि हम खुद को वैसे देखने पाए जैसे परमेश्वर हमें देखता है. And we shall be careful to give you the glory. और हम ध्यानपूर्वक बने रहेंगे ताकि सारा आदर और महिमा आपको दे. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. And amen.